नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। विदेश मंत्रालय ने बताया, अफगानिस्तान से 300 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 58 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.54% हुई। बच्चों में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए डीएनए आधारित जायडस कैडिला की वैक्सीन को मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 5100 करोड़ रूपये की ऋण राशि दी गई। असम में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का लाभ कल से शुरू। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षा बंधन का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। और खेलों में अमित खत्री ने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक हासिल किया। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं फरहत नाज। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। नंबर एक बार फिर सुन लें, 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 135 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान कल रात भारत पहुंचा। इन भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए कतर की राजधानी दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर कहा कि कल रात पाकिस्तान से 87 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की उड़ान नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। उन्होंने बताया कि 2 नेपाली नागरिकों को भी अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाला गया। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि काबुल से 107 भारतीय नागरिकों सहित 178 यात्रियों को लेकर भारतीय वायुसेना का एक और विमान दिल्ली आ रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण को देखते हुए राजधानी काबुल से सैकड़ों भारतीय नागरिकों को निकाला जाना है। भारत तजाकिस्तान के दुशांबे और कतर के रास्ते अपने नागरिकों को विमान से वापस ला रहा है। भारतीय वायुसेना अफगानिस्तान में राजदूत सहित अब तक लगभग 180 यात्रियों को वापस ला चुकी है। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय नागरिकों से अपील की है कि सहायता की आवश्यकता होने पर वे विशेष अफगानिस्तान प्रकोष्ठ से तुरंत संपर्क करें। इस प्रकोष्ठ की स्थापना अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों की वापसी और अन्य सहायता के लिए तालमेल बिठाने के प्रयोजन से की गई है। ब्रिटेन में मध्य लंदन के हाइड पार्क के पास कल हजारों लोगों ने अफगानिस्तान के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय संगीत के साथ अफगानिस्तान का विशाल ध्वज फहराया। उनके हाथों में लोकतंत्र की बहाली और तालिबान को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई करने के आह्वान वाले पोस्टर थे। दुनिया भर में अफगानिस्तान में तालिबान के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कल रात निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे और पिछले कई सप्ताह से लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई अस्पताल में भर्ती थे। उनका अंतिम संस्कार कल बुलंदशहर जिले के नरौरा घाट पर किया जाएगा। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे श्री सिंह 2 बार बुलंदशहर और इटावा से सांसद भी रहे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके निधन का समाचार मिलने पर अपनी गोरखपुर की यात्रा बीच में छोड़कर लखनऊ पहुंचे। कल आधी रात को राज्य मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई गई। मंत्रिमंडल ने दिवंगत नेता के प्रति शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। दिवंगत नेता के सम्मान में कल उत्तर प्रदेश में अवकाश घोषित किया गया है। मीडिया से बातचीत में श्री योगी ने कहा कि कल्याण सिंह जी का निधन हम सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक रिपोर्ट। माननीय कल्याण सिंह जी के प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और जिस दिन सायंकाल मरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी यानी 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके और उसके उपरांत अपराह्न में नरोरा में अंतिम संस्कार की कार्रवाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा। मैं इस अवसर पर अपने दिवंगत नेता को नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री कल्याण सिंह मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री और 9 बार विधानसभा सदस्य रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में पैदा कल्याण सिंह की 1991 में उत्तर प्रदेश में पहली भाजपा सरकार बनाने में अहम भूमिका थी और इसीलिए पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया। 1997 में भी उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बने लेकिन धीरे धीरे उनमें और अटल बिहारी वाजपेयी सहित कई वरिष्ठ पार्टी नेताओं के बीच मतभेद पैदा हो गए। यहीं से कल्याण सिंह के करिश्मे के अंत की शुरुआत हुई। बाद में उन्होंने भाजपा छोड़ दी और अपनी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया। 2004 में वो वापस भाजपा में आए लेकिन 2009 में उन्होंने एक बार फिर पार्टी छोड़ दी और अपने पुराने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव के साथ गठबंधन कर लिया। बाद में वो फिर से भाजपा में शामिल हो गए और उन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया जिस पद पर वह सितंबर 2019 तक रहे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित तमाम मंत्रियों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, अन्य सभी राजनीतिक दलों तथा समाज के विभिन्न वर्गों ने श्री कल्याण सिंह के निधन पर दुख प्रकट किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि कल्याण सिंह जनता में बेहद लोकप्रिय थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में श्री सिंह ने स्वच्छ राजनीति और शासन में अपराधियों और भ्रष्टाचार से मुक्ति को प्राथमिकता दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने शोक संदेश में कहा है कि कल्याण सिंह राष्ट्रवादी और अनुकरणीय नेता थे जो जनसेवा के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और श्री कल्याण सिंह के समर्थकों के प्रति संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेशों में कहा है कि श्री कल्याण सिंह एक अग्रणी नेता, कुशल प्रशासक, जमीन से जुड़े हुए नेता और विराट व्यक्तित्व के धनी थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। श्री मोदी ने श्री कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह से बात कर अपनी संवेदना प्रकट की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के कल्याण में कल्याण सिंह के योगदान के प्रति आने वाली पीढ़ियां सदैव कृतज्ञ रहेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने शोक संदेश में कहा है कि पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी परिवार श्री कल्याण सिंह के निधन से शोक संतप्त हैं। उन्होंने कहा कि श्री सिंह जैसे महान व्यक्तित्व विरले ही होते हैं जो किसानों, निर्धनों और वंचित वर्गों को एक साथ विकास की मुख्य धारा में जोड़कर देश की उन्नति में योगदान करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने शोक संदेश में कहा कि कल्याण सिंह न केवल भारतीय राजनीति के पुरोधा थे बल्कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व और रचनात्मकता के जरिए देश में अपनी अमीर छाप छोड़ी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कल्याण सिंह के निधन से आई राजनीतिक शून्यता को भरना असंभव है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कल्याण सिंह ने हमेशा गरीबों और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी आदर्शों से समझौता नहीं किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
भारत में कोविड रोधी टीकाकरण 58 करोड़ की संख्या पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 45 करोड़ से अधिक पहला टीका और 13 करोड़ से अधिक दूसरा टीका लगाया गया है। इस वर्ष 21 जून से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने का चरण आरंभ हुआ था। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.54% हो गई है। इस बीच देश में 12 वर्ष के बच्चे या उससे अधिक आयु के किशोरों के लिए कोविड रोधी वैक्सीन की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने देश में इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए कैडिला हेल्थकेयर की डीएनए आधारित कोविड वैक्सीन जायकोव डी के आपात उपयोग को अनुमति दे दी है। इस वैक्सीन की 3 डोज दी जाएंगी। पहली डोज देने के 28वें दिन दूसरी और 56वें दिन तीसरी डोज दी जाएगी। तमिलनाडु में 1 सितंबर से स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि राज्य में कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार ने पहली से कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए 15 सितंबर से स्कूल खोलने का फैसला किया है। सिनेमाघरों को इस महीने की 28 तारीख से 50% क्षमता के साथ खोल दिया जाएगा। कल से दुकानों और समुद्र तटों को आम जनता के लिए रात 10 बजे तक खोला जाएगा। इस बीच तमिलनाडु में कल कोरोना के 1652 नए रोगियों की पुष्टि हुई और 23 संक्रमित लोगों की मृत्यु हो गई। राज्य में अभी 19621 रोगियों का उपचार चल रहा है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर बल दिया है। उन्होंने कल उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए पंजाब नेशनल बैंक द्वारा स्वीकृत 5100 करोड़ रुपए के ऋण अंतरण पर आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हमेशा ही प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इसका लाभ उठाने के लिए हर राज्य को प्रावधानों का उपयोग होगा। देश का उन्नति के लिए अगर हम मीनिंगफुली कुछ कार्यक्रम करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए प्रामुख्यता देना आवश्यक है और उसके लिए हर बजट में कुछ ना कुछ अधिक से अधिक प्रावधान करते आए हैं। 2017 और 2018 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को उठा उठा करके बहुत ही सपोर्ट केंद्र सरकार राज्यों को देने के लिए बहुत ही एक प्लान व्यवस्था के तहत करके आ रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे से आवाजाही की सुविधा तो बेहतर होगी ही, एक जिला एक उत्पाद जैसी योजनाओं और रक्षा गलियारे में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थिति बेहतर होने के कारण अब बैंक भी विकास के लिए जोखिम लेने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण से उबरने के लिए केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचा विकास का प्रावधान किया गया है और कोरोना से मुक्ति के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र में खर्च करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। विदेश मंत्रालय ने बताया अफगानिस्तान से 300 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 58 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.54% हुई। बच्चों में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए डीएनए आधारित जायडस कैडिला की वैक्सीन को मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 5100 करोड़ रुपए की ऋण राशि दी गई। असम में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का लाभ कल से शुरू होगा। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। और खेलों में अमित खत्री ने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक हासिल किया। महाराष्ट्र में कोविड से कल 5914 रोगी कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए। राज्य में महामारी से स्वस्थ होने की दर 96.99% हो गई है। एक रिपोर्ट।
महाराष्ट्र में कोविड मरीजों के ठीक होने के दर में सुधार के साथ साथ राज्य टीकाकरण में भी तेजी लाने की कोशिश कर रहा है। कल एक ही दिन में महाराष्ट्र में लोगों को 10,96,000 खुराक दी गई, जो कि एक नया कीर्तिमान है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इसके लिए स्वास्थ्य अधिकारियों ने किए प्रयासों की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिए। इस दौरान रक्षाबंधन की पृष्ठभूमि पर पालघर जिले में केवल महिलाओं के लिए टीकाकरण की विशेष मुहिम का आयोजन हुआ। जिले में 79 केंद्रों पर 18 से ज्यादा आयु की महिलाओं को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक दी गई। गर्भवती महिला तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए ग्रीन कॉरिडोर की सुविधा की गई थी, जिसके कारण उन्हें खुराक लेने के लिए कतार में रुकना नहीं पड़ा। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। असम में कल से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रंजीत कुमार दास ने बताया कि इस योजना के तहत 2,50,00,000 से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। उन्होंने लाभार्थियों से अपने राशन कार्डो को आधार कार्ड से जोड़ने का आग्रह किया, क्योंकि इसके बिना वे खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। श्री दास ने कहा कि राज्य में अब तक 10.7% लाभार्थियों और 28.3% राशन कार्डों को आधार से जोड़ने का काम पूरा हुआ है। राज्य के सभी 2.5 करोड़ लाभार्थियों के राशन कार्डों का 100% डिजिटलीकरण का काम संपन्न हो गया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसमें पात्र लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। विभाग के प्रधान सचिव विश्वरंजन सामल ने कहा कि सभी उचित मूल्यों की दुकानों को ई स्वाइप मशीनें अगले 3 से 4 महीने में उपलब्ध करा दी जाएंगी। जम्मू कश्मीर में समाज कल्याण विभाग ने राज्य की 3 योजनाओं, लाडली बेटी, राज्य विवाह सहायता योजना और एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अब इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को अपना आधार संख्या प्रमाण प्रस्तुत करना होगा अथवा आधार सत्यापन करवाना होगा। राज्य के समाज कल्याण विभाग की सचिव शीतल नंदा ने बताया कि जिनके पास आधार संख्या नहीं है अथवा जिन्होंने आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, उन्हें स्कीम का लाभ लेने के लिए आधार पंजीकरण कराना होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि आधार पंजीकरण के लिए आवेदन का प्रमाण दिखाकर भी इन योजनाओं का लाभ लिया जा सकेगा। हालांकि इस प्रमाण के साथ बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा कार्ड, किसान पासबुक अथवा ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्रीनगर में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के लिए 25 कनाल भूमि मंजूर की है। इस भूमि पर 40 वर्षों के लिए पट्टे पर यात्री निवास बनाए जाएंगे। राज्य के राजस्व विभाग के आदेश के अनुसार यात्री निवास का वार्षिक किराया ₹250 होगा। श्रीनगर के बाहरी इलाके पंथा चौक में इस यात्री निवास के निर्माण का कार्य 1.5 वर्ष में पूरा हो जाएगा और इससे 3,000 से अधिक अमरनाथ यात्रियों को ठहरने की सुविधा होगी। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में सिमहाद्री ताप विद्युत केंद्र के जलाशय पर 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना यानी तैती हुई सौर परियोजना की शुरुआत की है। यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में अधिसूचित फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत स्थापित होने वाली पहली सौर परियोजना भी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इस वर्ष 1 अप्रैल से 16 अगस्त तक 22,75,000 से अधिक करदाताओं को 49,696 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वापस कर दी है। आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा है कि 21,50,000 से अधिक मामलों में 14,608 करोड़ रुपए से अधिक आयकर वापसी किया गया है। इसके अलावा 1,24,000 से अधिक मामलों में 35,088 करोड़ रुपए का कंपनी कर वापस किया गया है। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देशभर में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके सौभाग्य, अच्छे स्वास्थ्य तथा खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों की सुरक्षा और उन्हें सहयोग का संकल्प लेते हैं और उन्हें उपहार प्रदान करते हैं। कई राज्य सरकारों ने रक्षाबंधन के अवसर पर अपने यहां सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का उपहार दिया है। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत वर्षभर चलने वाले अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज शीर्षक से यह कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा, साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। एक राष्ट्र का जन्म, स्वाधीनता के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम बात करेंगे भीकाजी कामा और गोसाई भाई पटेल की और बताएंगे कुछ भूली बिसरी घटनाओं के बारे में भी। आज ही के दिन 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को प्रभावशाली पारसी परिवार में हुआ था। अदम्य साहस और सत्यनिष्ठा की धनी भीकाजी कामा ने अपना अधिकांश समय समाज कार्य में बिताया। राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम के कारण उन्होंने पारिवारिक जीवन त्याग दिया और अपना जीवन राष्ट्र हित के लिए समर्पित कर दिया। अक्टूबर 1896 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भीषण अकाल पड़ा और उसके कुछ दिन बाद ही प्लेग की महामारी फैल गई। इस दौरान भीकाजी कामा ने पीड़ित लोगों की खूब सेवा की। 1905 में मैडम कामा पेरिस चली गईं और वहां पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना में सहभागी बनी। नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड में अज्ञातवास के दौरान कामा ने आंदोलन के लिए वंदे मातरम नामक क्रांतिकारी साहित्य भी लिखा और प्रकाशित कराया। उन्होंने मदन लाल ढींगड़ा को फांसी दिए जाने के विरोध में मदन की तलवार पत्रिका लिखी। आज ही के दिन 1907 में कामा जर्मनी के स्टटगार्ट में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में शामिल हुई। वहां उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में अकाल के विनाशकारी प्रभाव की जानकारी दी। ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता और समानता की अपील के दौरान मैडम कामा ने ध्वज फहराया और उसे भारत की स्वतंत्रता का ध्वज कहा गया। इस प्रकार वे भारतीय क्रांतिकारियों की माँ के रूप में प्रसिद्ध हुई। कामा का ध्वज कलकत्ता ध्वज का संशोधित रूप था। उसका डिजाइन कामा और विनायक दामोदर सावरकर ने बनाया था। वह उन सभी झंडों में शामिल था जिनके आधार पर मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। मैडम भीकाजी कामा उन महान विभूतियों में अग्रणी थी जिन्होंने विदेश में रहकर भारत की स्वतंत्रता की मशाल जलाई। आज के दिन के बारे में एक और रोचक तथ्य ये है कि ठीक 100 वर्ष पहले यानी 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई। गांधी जी ने 31 अगस्त 1920 को ब्रिटिश शासन से असहयोग के अभियान की अपील की।
लोगों ने स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार शुरू कर दिया और कर भुगतान से मना कर दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों ने सार्वजनिक रूप से विदेशी कपड़ों की होली जलाई। इस तरह के कार्यों ने ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत में उनके दिन गिनती के रह गए हैं। आज ही के दिन गुजरात के स्वाधीनता सेनानी गोसाई भाई पटेल ने मतवाड़ में तीन राष्ट्रवादियों की हत्या के विरोध में ब्रिटिश सिपाही से राइफल छीन ली और राइफल के बट से प्रहार किया था। हालांकि गोसाई भाई गांधीवादी अहिंसा के सिद्धांत के प्रति आकर्षित थे, लेकिन वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कुछ हिंसक घटनाओं में भी शामिल रहे। गोसाई भाई और उनके मित्रों ने पुलिस थाने पर हमले किए और बंदियों को छुड़ाने में सफल रहे। गोसाई भाई पटेल सफल राजनेता बने। उन्हें तीन बार गुजरात विधानसभा के लिए चुना गया। उन्होंने दांडी में विकास कार्य भी कराए। बाद में गोसाई भाई पक्के गांधीवादी बनकर उभरे। उन्होंने गांधीवादी विचारधारा पे अनेक पुस्तकें लिखी और 90 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य कारणों से मृत्यु पर्यंत समाज कार्य से जुड़े रहे। ये बहुत दिलचस्प बात है कि आज ही के दिन 1639 में तत्कालीन मद्रास की स्थापना हुई, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। मद्रास की स्थापना स्थानीय नायक शासक से खरीदी गई जमीन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। 71 साल पहले आज ही के दिन 1948 में स्वतंत्रता सेनानी शोएबुल्ला खान को कासिम रिजवी के नेतृत्व में रजाकारों ने गोली मार दी थी। शोएबुल्ला खान इमरोज पत्रिका के संपादक थे। शोएबुल्ला कासिम रिजवी के स्वतंत्र हैदराबाद के विचार के खिलाफ थे। वे इस बात के पक्षधर थे कि हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में हो। शोएबुल्ला के इस अविस्मरणीय योगदान के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद ने उनके नाम पर पत्राचार के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को स्वर्ण पदक देने की शुरुआत की। आज के लिए बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। नमस्कार। स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की वीरगाथा को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लेकर आया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता। देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। केन्या के नैरोबी में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अमित खत्री ने इतिहास रचते हुए 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक हासिल किया। अमित खत्री ने यह दूरी 42:17.49 में पूरी की। इस प्रतियोगिता में यह भारत का दूसरा पदक है। इससे पहले भारत ने 4x400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी फरहत, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन का समाचार सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नहीं रहे कल्याण, कल नरोरा में अंतिम संस्कार। हरिभूमि लिखता है, राम मंदिर के लिए कुर्बान कर दी थी सीएम की कुर्सी। ताजिकिस्तान के दुशांबे में उतरा वायुसेना का विमान, 85 भारतीयों को काबुल से निकाला, जनसत्ता की खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, अफगानिस्तान से तेज होगी वापसी। अमरीका ने भी काबुल से रोज 2 भारतीय उड़ानों को मंजूरी दी। अमर उजाला लिखता है, काबुल में तालिबान ने भारतीयों को जबरन रोका, पूछताछ के बाद छोड़ा। बारिश ने तोड़ा 13 वर्ष का रिकॉर्ड, राजधानी में जलभराव के कारण रेंगते रहे वाहन। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, अगस्त में एक दिन में सबसे अधिक बरसात। वहीं हिन्दुस्तान ने राजधानी में 2 लोगों की मौत की खबर प्रकाशित की है। अगले 2 दिन तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में सक्रिय रहेगा मॉनसून। आज के लिए येलो अलर्ट, अमर उजाला की सुर्खी है।
बहनें आज भाई की कलाई पर बांधेंगी रेशम का धागा। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा शुभ मुहूर्त, दैनिक जागरण की सुर्खी है। रक्षाबंधन पर दैनिक भास्कर ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, दो बच्चियों से राखी बंधवाने लाइन में लगते थे 5 साल के बच्चे और से लेकर 95 साल तक के बुजुर्ग, अब शिक्षा सुविधा पहुंची तो गांव में 100 से ज्यादा बेटियां। रक्षाबंधन पर बहन ने नहीं टूटने दी राखी की डोर, किडनी देकर बचाई भाई की जान, अमर उजाला की सुर्खी है। अब देर रात तक गुलजार रहेंगे दिल्ली के बाजार, त्योहारों के मद्देनजर सरकार ने हटाई पाबंदियां, जनसत्ता सहित सभी अखबारों की खबर है। उत्तराखंड के माणा में बना देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन, हिंदुस्तान की सुर्खी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्रालय ने बताया, अफगानिस्तान से 300 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 58 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए, स्वस्थ होने की दर 97.54% हुई। बच्चों में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए डीएनए आधारित जायडस कैडिला की वैक्सीन को मंजूरी मिली। असम में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के लाभ कल से मिलने शुरू होंगे और भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।